तो बच्चों हमने लास्ट पीरियड में हमने देखा कि सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस के काइंड्स चार हैं और उन्हीं चार काइंड में से हम दो काइंड्स अलग ले रहे हैं, एक असर्टिव और एक एक्सक्लेमेटरी। अब जो टॉपिक हम देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमने यह लिखा असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी कैसे करेंगे, सेकंड एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव कैसे करेंगे वो हमने देखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूँ असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी कर रहे हैं। इसके असर्टिव मैंने आपको बताया था इसको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, ये तो आपको समझ में ही बात। अब इस सेंटेंस को अगर गौर से देखें तो रामू इज अ वेरी टॉल बॉय, इस सेंटेंस को देखो रामू इज अ वेरी टॉल बॉय, कौन से टाइप का सेंटेंस लग रहा है आपको? शाबाश, असर्टिव लग रहा है। कैसे चेंज करेंगे इसको एक्सक्लेमेटरी में? रामू इज अ वेरी टॉल बॉय और इस सेंटेंस को देखो रामू इज वेरी टॉल, बताओ इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? आप सीधे कहेंगे कि सर इसमें ए है इसमें ए नहीं है, यस और जल्दी बोलिए बोलिए, हाँ इसके अंदर बॉय है इसके अंदर बॉय नहीं है, इसका मतलब इसमें डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ ए है और यहाँ बॉय है, यहाँ ए नहीं है और बॉय भी नहीं है। इससे क्या समझ में आ रहा कि रामू इज अ वेरी टॉल बॉय, बोलो इसके अंदर रामू इज अ वेरी टॉल बॉय इसका हिंदी में क्या मतलब है? रामू एक बहुत लंबे साइज हाइट का लड़का है, बहुत कौन सा वर्ड बता रहा? वेरी। अब बताओ इसको अगर मैं एक्सक्लेमेटरी कर दूं तो क्या बोलना चाहिए मैंने, बोलिए सोचो सोचो, शाबाश। रामू इज अ वेरी टॉल बॉय, रामू एक बहुत ही लंबे कद का लड़का है, कितना लंबे हाइट का लड़का, कितना, मुझे क्या लेना पड़ रहा है एक्सक्लेमेटरी करने के लिए, कितना। अब यहाँ पे अगर रामू बहुत लंबा है, कितना लंबा है रामू, तो इसका मतलब दोनों भी आंसर में मुझे कितना लेना पड़ रहा है, और कितना इंग्लिश में दो वर्ड आते हैं, एक आता है बच्चों कितना के लिए वाटम और दूसरा आता है बच्चों कितना के लिए हाउ। अरे फिर सवाल हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि जब दोनों का मीनिंग एक है, एक में वाट है कितना हाउ कितना, तो दोनों कहाँ ले कहाँ ले? बहुत ही सिंपल है, दोनों कहाँ ले तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जिस सेंटेंस में अ वेरी यानी ए आ जाता है, ए आता है तो उसमें हम क्या लेंगे व्हाट ए, और जिस सेंटेंस में ए ए नहीं आता उसमें हम क्या लेंगे हाउ। अब बोलो बच्चों इसके अंदर ए है क्या? है क्या लो व्हाट ए, इसमें ए है क्या? नहीं है, क्या लो हाउ, सिंपल। अब मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूं, आंसर कैसे लिखे, रामू एक लंबे कद का लड़का है, कितना लंबा, कितना मुझे शुरू में लेना पड़ रहा है, तो कितना मेरे पास दो वर्ड है क्योंकि ए है तो क्या लेंगे व्हाट ए, तो यहां पे मैं ले रहा हूं व्हाट अ। अब बच्चों व्हाट ए क्या बता रहा हूं, कितना बहुत, और बहुत सेंटेंस में कौन सा है वेरी है, जब ये व्हाट ए कितना मुझे लेना ही है तो मैं वेरी को निकालूंगा क्योंकि दोनों के मीनिंग एक जैसे हो रहे, तो इसका मतलब वेरी तो निकलेगा लेकिन व्हाट के साथ ऑलरेडी क्या आ रहा ए आ रहा, तो हम इसमें से ए को भी निकाल देंगे तो अ वेरी पूरा निकल गया, क्या बचा है व्हाट ए। अब इसके आगे क्या रहा, शाबाश टॉल बॉय, आई एम राइटिंग हियर टॉल बॉय, अब कुछ लिखे हुआ है क्या आगे? कुछ नहीं, वापस आएंगे तो यहाँ पर सेंटेंस क्या दिख रहा, रामू इज बचा है, सेम ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे रामू इज। अब ये तो हमने कैंसिल किया, ये तो लिख चुके, तो अब बचा हुआ क्या है, कुछ नहीं, तो हमने इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज किया इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया इसको एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब इसको आपको बोल सकते हैं बताओ इसके अंदर ए है क्या? नहीं है, तो क्या लू हाउ, तो यहाँ पर मैं ले लूंगा हाउ, हाउ ले लूंगा, किसे निकालूंगा वेरी को, बच रहा क्या है टॉल, यहाँ पे लिख दिया हमने टॉल, कुछ है नहीं है, वापस आएंगे क्या मिला रामू इज, हमने इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज किया इसलिए इसके आगे लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी साइन। तो बच्चों इन दोनों सेंटेंस में सिर्फ डिफरेंस ये कि ए है ए नहीं है, बॉय है यहाँ बॉय नहीं है, लेकिन बच्चों ये 8th क्लास के लड़कों का
एन आउट तो हाउ लॉन्ग, लेकिन आप क्योंकि 9 10 11 12 के बच्चों ने ध्यान में रखना कि सेंटेंस में ए नहीं ढूंढते वर्ड ना, आपने देखना इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव कौन सा है, टॉल। इसमें एडजेक्टिव कौन सा, टॉल। बताओ इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा, शाबाश। इसमें एडजेक्टिव कौन सा, लकी, शाबाश। तो इसका अंदर मतलब अगर एडजेक्टिव के बाद अगर नाम आ जाए तो हम लेंगे व्हाट ए, ये ध्यान में रखना। अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाम या नाउन नहीं आता तो हम लेते हैं हाउ। बताओ इस सेंटेंस के अंदर वेरी के बाद क्या लिखा है, स्वीटली। इसके आगे कोई नाम है क्या, नहीं है, तो क्या लू, शाबाश, क्या लू, क्या लू बच्चों, हाउ, हाउ लिख दे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इसमें ए है क्या, नहीं है, इसलिए भी हम क्या ले रहे हैं, हाउ ले रहे हैं। अब यहां पर क्या लू, हाउ, किसे निकाल लू, वेरी को, बचा क्या है, हाउ स्वीटली। वापस आएंगे तो क्या मिलेगा, लता, और आगे क्या लेंगे, सिंस और एक्सक्लेमेटरी साइन। अब खुद आप कर सकते हैं, पता इसके अंदर वेरी था जो बहुत बता रहा, इसमें कौन है जो बहुत बता रहा, एक्सट्रीमली, यानी कि वेरी का काम कौन कर रहा है आपके, एक्सट्रीमली कर रहा है। तो जैसे वेरी को निकाल रहे एक्सट्रीमली को भी निकाल देंगे। पहली चीज क्या देख रहे हैं इसमें, ए है क्या, नहीं है, छोड़ दिए। वापस हम क्या देख रहे हैं, इसका एडजेक्टिव कौन सा है, लकी। नाम है क्या आगे, नहीं है, तो क्या लूं मैं, बताइए आंसर लेंगे हाउ। बच्चे बात क्या है बच्चों, एक्सट्रीमली तो निकाल दिया, हाउ लकी, और साथ में क्या देंगे, आई एम, और एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ये हो गए बच्चों असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी। इसके आगे की और एक्सरसाइज है जो आपको पीडीएफ से मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन फिलहाल ये सेंटेंस में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है। अब आ जाएंगे यहां पे एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी हमने अभी देखा कि एक्सक्लेमेटरी में या तो व्हाट आ रहा है या फिर आ रहा है हाउ। यहां पर हम देख लेते हैं कि व्हाट अ ब्रेव बॉय ही इज, हाउ ब्रेव ही इज। बताओ बच्चों इसमें डिफरेंस क्या है दोनों सेंटेंस में, हां एक है व्हाट इज, यहाँ पे क्या लिखता है, हाउ लिखता है, और बोलिए और कुछ सेंस में, यहाँ बॉय है इसमें कोई बॉय नहीं है। अब बहुत ही क्लियरली आसानी से हम इसका आंसर दे सकते हैं, कैसे, मैं यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में क्या है देखूंगा, सेंटेंस के लास्ट में मुझे मिल रहा है ही इज, मैं इसको पहले लिखूंगा। इस सेंटेंस के लास्ट में क्या है, ही इज, इसको भी मैं पहले लिखूंगा। यहां पर मुझे दिख रहा है ही इज, तो मैं लिख दिया ही इज। अब कुछ है क्या बड़े आगे, नहीं है। वापस आएंगे तो मुझे क्या मिल रहा, व्हाट ए। तो याद रखें अगर आपको सेंटेंस में व्हाट ए अगर दिखता है तो आपने लेना अ वेरी, आपने क्या लेंगे, अ वेरी। तो मैंने ही इसको लिख दिया, वापस आया तो मेरा मुझे व्हाट इज, व्हाट इज हाथ तो मैं ले लूंगा, इसको निकाल कर क्या लूं, अ वेरी। तो मैंने दिया ही इज अ वेरी, क्या बच गया है, ब्रेव बॉय। बताओ एक्सक्लेमेटरी साइन दो कि फुल पॉइंट, शाबाश, फुल स्टॉप दे देंगे। अब आ जाएंगे इस सेंटेंस में, बताओ सेंटेंस के लास्ट में क्या है, ही इज। चलिए हमारे रूल के हिसाब से हम पहले क्या कर देंगे, इस पहले लिखेंगे, इस लिखने के बाद कुछ है क्या आगे, नहीं है। वापस आएंगे तो क्या मिल रहा है, हाउ, हाउ रहा तो हम क्या लिखेंगे, हाउ रहा तो सिर्फ वेरी लिखते हैं। तो वापस आएंगे तो हाउ मिल रहा, हाउ की जगह हम ले लेंगे वेरी। बचे हुआ क्या है, ब्रेव, शाबाश। अब ये सेंटेंस देखकर बोलो इसके सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा, शी वाज। तो मैं यहां पे लिख दूंगा She was, आपको ही पहना आगे का, She was, कुछ है आगे, नहीं है। वापस आएंगे क्या मिल रहा है, What is, बोलिए What is है तो क्या लो, A very, इसे निकाल कर मुझे लेना है A very। क्या सेंटेंस में बचा है, Popular Doctor, She was a very popular doctor। हमने इस एक्सक्लेमेटरी को कैसे चेंज किया, असर्टिव में। अब आ जाएंगे यहाँ पे, How handsome my father is, ये तो है, आप भी मानते हैं इस बात को। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, कहां से स्टार्ट करूं,
तो आप बोलेंगे माई फादर से, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा माई फादर इज, कुछ है आगे नहीं है, वापस आए तो क्या मिला, हाउ, हाउ हो तो बोलो, हाउ हो तो वेरी, तो मैंने यहां लिख दिया माई फादर इज वेरी, आगे हमने लिख दिया हैंडसम, माई फादर इज वेरी हैंडसम। लेकिन बच्चों एक लास्ट सेंटेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे अगर मैं सेंटेंस अगर लिख देता हूं व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, नाउ सी दिस, ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अभी हमने देखा कि आखिर में ही इज है, शी वॉज है, माय फादर इज है, हमने शुरू में लिख दिया। अब इसमें मैं शुरू में क्या लिखूं, कुछ भी नहीं है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर ही दिख रहा है, आगे हमको कुछ ना कुछ चाहिए था नहीं दिया। आपने इमेजिन करना कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्लावर के, तो फ्लावर को हम अपने तौर पे क्या बोलेंगे, इट, और वो है अगर इमेजिन कर रहे हैं तो हम मिलेंगे इज, ऐसे इमेजिन करना होगा। अगर यहाँ कोई मेल अगर कोई आदमी का नाम हो तो आपने यहाँ पे ही इज लेना, अगर कोई लेडीज हो तो शी इज लेना, ज्यादा हो तो दे आर या दे देर लेना। तो यहाँ पर हमने इट इज लिया क्योंकि फ्लावर है। अब इसको मैं आंसर लिख सकता हूँ, बोलो आप आंसर क्या होगा, पहले क्या लिखूं, इट इज वापस है, वाटे मिला, वाटे है तो अ वेरी, इट इज अ वेरी, आगे क्या बचा, ब्यूटीफुल फ्लावर, ये हो गया चेंज। क्या मैं चेंज किया हमने असर्टिव में, अब इसकी जो एक्सरसाइज होगी बच्चों हम आपको पीडीएफ फाइल से भेज देंगे, आपने उसको फीडबैक देना, उसके आंसर्स लिख के हम तक भेजना, हम आपको देख चेक करके दे देंगे। अब इसके आगे जो लिंक आने वाले हैं इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, आप उसमें मेल बनाइए, अपने रिलेटिव फ्रेंड को इसको शेयर कीजिए, बस आप इसको अच्छे से कॉपी में लिखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओके चलो टेक इट आउट।